और कई बार हमने इस बात को भी दोहराया है कि बिहार में जो है चौंकाने वाले जो परिणाम जो है वो सामने आएंगे। आप लोग देखिए, महागठबंधन में लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, तीन लेफ्ट पार्टियां हैं, आरजेडी और कांग्रेस, यानी पांच दल का ये महागठबंधन है और पांचों को जो है सीट बंटवारा हो गया। दूसरी तरफ एनडीए खेमे अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को तो जगह मिली ही नहीं, कई लोग चले गए। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हम लोगों का मजबूत गठबंधन है, जनता का गठबंधन है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी और चिराग पासवान भी कह रहे हैं किस बार फिर वही हाल होगा, हम लोग 40-40 होंगे और वो लोग 0 पाउंड होंगे। बीजेपी और चिराग पासवान सर, आप उन लोगों को शुभकामना है, लेकिन हर बार इस तरह का रिजल्ट नहीं रहता है ना, और कोई भी अमृत पी के तो आया नहीं है स्वर्ग से। ये हम लोगों का विषय नहीं है, हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ है किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ हुआ। तो कांग्रेस से तो हम लोगों का बहुत पहले से ही अलायंस है और सीट बंटवारा जो है वो तो जनवरी से ही बातचीत हम लोगों की चल रही है, वो तो उसी टाइम से सारी बातें तय हो चुकी थी, तो ज्यादा कुछ इस पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। देखिए, जब सीटों का बंटवारा हुआ है, इसकी घोषणा आज हो गई आधिकारिक रूप से, तो फिर जो सीट जिन दलों को मिला है सभी दलों के नेतृत्व की सहमति से सब कुछ तय हुआ है और किसी एक दो सीट पर किसी का दावा और दावेदारी था तो वो सीट अगर किसी दूसरे दल को मिला है तो सब लोग मिलजुल करके लड़ेंगे। अब कहीं कोई विवाद नहीं रहा, अब तो सीट का बंटवारे का हो गया कि कौन सीट पर कौन लड़ेगा, कौन सा दल लड़ेगा, अब तो विवाद का कोई सवाल नहीं है। लेकिन हमारे बीजेपी वाले एनडीए वाले लोग जो कूद कूद कर बयान दे रहे हैं कि तो उनको ये पता होना चाहिए कि बिहार में 400 सीट पर महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, वामपंथी पार्टियां हो, 400 सीट पर हम जीतेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और ये कहीं कोई मुकाबले में एनडीए नहीं रहेगा। सर, एक आखिरी प्रश्न, पीएम मोदी के बहुत करीबी रहे। देखिए, राजनीति में भाषाई मर्यादा को तार तार पहले बीजेपी ने किया है, हम तो सब लोगों से अपील करेंगे कि भाषा की मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो राजनीतिक विरोधियों के लिए कटाक्ष के रूप में, तंज के रूप में कहते हैं, कहना चाहिए, लेकिन भाषा की मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहिए। और उन्होंने जो कहा है ये तो जन जन में लोग कहते हैं इस तरह की भाषा, तो दूसरे के लिए अगर आप इस तरह का शब्दों का प्रयोग बीजेपी करती है दूसरे विपक्षी नेताओं के ऊपर तो फिर उनको सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अब ये अगर संस्कृति बीजेपी ने खड़ी कर दी है तो अब बीजेपी पर जब हमला होता है उनके नेताओं पर तो उनको दर्द होती है, पीड़ा होती है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि शुरुआत उन्होंने की है, मर्यादा भाषा का तोड़ा है और विपक्षी नेताओं को जलील और अपमानित और गाली गलौज से नवाजा है बीजेपी ने। अब उनको इस तरह से शब्दों का जब तीखा प्रहार विपक्ष के नेताओं के द्वारा होता है तो फिर सवाल खड़े करने का कोई मतलब नहीं बनता।